नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, एचएसएससी ने परीक्षा तिथि बदली। जी हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक परीक्षा की जो तिथि है वो चेंज कर दी है। ठीक है, अब इस डेट को होगा एग्ज़ाम। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी परीक्षा थी जिसकी तिथि में बदलाव हुआ है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी हिस्ट्री से संबंधित क्लासेज चली हुई हैं, जो कि आपके RPF एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए एक नोटिस आया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लगभग लगभग आज से 15-20 दिन पहले। ठीक है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2017 थी, कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए जो है एग्ज़ाम होने वाला था, जिसकी डेट ऑफ टाइम एंड एग्जामिनेशन क्या थी, 4/1/2019 को होना था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, जिसके लिए एडमिट कार्ड आने वाले थे 1 जनवरी 2019 को, जिनका जो पेपर होना था वो पंचकुला होना था। लेकिन इसके संदर्भ में एक क्या है, एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, उसी के बारे में बता दूं कि इस भर्ती का फायर स्टेशन ऑफिसर और सब फायर ऑफिसर की जो भर्ती थी, इसकी परीक्षा तिथि में बदलाव हुआ है और एडमिट कार्ड की जो अपलोड जो डाउनलोड करने की वो है डेट, उसमें भी बदलाव हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सेक्टर 2 पंचकुला की तरफ से ये जो है नोटिस है फायर स्टेशन ऑफिसर और सब फायर ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों को स्थगन सूचना, कि हरियाणा कर्मचारी आयोग ने सूचना दी थी कि 6 दिसंबर 2018 जो विज्ञापन संख्या है 11/2017 के तहत लिखित परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR पर आयोजित करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी और HSSC वेबसाइट पर भी जो मैंने आपको नोटिस दिखाया वो आया हुआ था। लेकिन अब क्या है, इसमें कुछ प्रशासनिक आधार पर स्थगित कर दिया गया है। अब इसमें जो बदलाव हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए विज्ञापन 11/2017, इसके लिए जो पेपर होने वाला है वो 12 जनवरी 2019 को होने वाला है। ठीक है, यानी आपको क्या है 10 से 12 दिन का समय और मिल गया। ठीक है, देखिए फिर क्या है कि जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हैं वो आपको 8/1/2019 को डाउनलोड करने हैं, आपका स्थान पंचकुला ही रहने वाला है। सब फायर ऑफिसर के लिए भी जो श्रेणी नंबर 2 थी, कैटेगरी नंबर 2 थी, ठीक है, उसका भी शनिवार को शाम को होना है, इनका शनिवार को सुबह होना है। ठीक है, तो क्या है, इनके भी जो एडमिट कार्ड हैं वो 8/1/2019 यानी कि 8 जनवरी 2019 से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे, इनके एडमिट कार्ड को। आपका स्थान भी पंचकुला ही रहने वाला है, सिर्फ जो डेट है उसमें बदलाव किए गए हैं। लेकिन अभी क्या है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो नोटिस है अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन शाम होते होते क्या है, इस नोटिस को HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि फायर स्टेशन ऑफिसर और सब फायर ऑफिसर का जो परीक्षा तिथि थी उसमें बदलाव हुआ है, जो अब 12 जनवरी को होने वाली है, जिसके एडमिट कार्ड 8 तारीख को आने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है परीक्षा तिथि में, जो आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।